अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 2020 के पांचवें दिन विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक गुरदेव चंद शर्मा ने 3 दिवसीय छिंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुरदेव चंद शर्मा ने बताया कि छिंज में अंडर 21 आयु वर्ग प्रतियोगिता में 48 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जबकि ओपन प्रतियोगिता आज से आरम्भ होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 2020 के पांचवें दिन विभिन्न खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कड़ी में पुलिस अधीक्षक गुरुदेव चंद शर्मा ने 3 दिवसीय छिंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि छिंज में अंडर 21 आयु वर्ग प्रतियोगिता में 48 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ओपन प्रतियोगिता आज से आरम्भ होगी। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि मेले में छिंज दर्शकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि छिंज भारत का प्राचीन खेल है, आज भी देश के कोने कोने में इसकी लोकप्रियता है। मेले में देश भर के नामी पहलवान दंगल के दांव पेच दिखाएंगे। इस अवसर पर दंगल कमेटी के अध्यक्ष जानकी दास डोगरा ने पुलिस अधीक्षक को शॉल स्मृति चिन्ह तथा विशेष अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वही मेले में चल रही वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में 123 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाट्य प्रतियोगिता में 23 टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। दोनों प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण का दौर पूरा हो चुका है। द्वितीय व तृतीय चरण 27 व 28 फरवरी को होंगे। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। कबड्डी में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कबड्डी के 2 सेमीफाइनल हो गए हैं, जिनमें गैलेक्सी क्लब सियासी व तूफान क्लब पंडो की टीम बिजी रही। महिला वर्ग कबड्डी में तूफान क्लब पंडो और आईटीआई मंडी की टीमों के बीच मैच हुआ, जिसमें आईटीआई मंडी की टीम बिजी रही। सकता हूं कि इन्होंने काफी दिनों से इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज इसका शुभारंभ इन्होंने करवाया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेसलिंग कुश्ती जो है प्राचीनतम खेलों में से एक है। इस खेल को बहुत ही लंबे समय से हिंदुस्तान में खेला जाता है। हर गांव, हर शहर, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग जो है इस खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको देखते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इस खेल को मतदाता पीर को खुश करने के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है। और दूसरी तरफ बजरंग बली जी को भी खुश करने के लिए गुड़ जो है भेंट किया जाता है। तो इस तरह से यह खेल जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी प्रतीक है। और इस खेल से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हम सब मिलकर के भाईचारे से रहें और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए काम करें। खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ चुस्त दुरुस्त भी रखते हैं। तो आज के परिवेश में खेलों को कैरियर के रूप में युवा भी अपना सकते हैं। सरकार द्वारा भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, मेडल हासिल किए हैं, उनको सरकारी नौकरियों में भी प्रोत्साहन दिया जाता है। रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है ताकि हम खेलों को प्रमोट कर सकें और हमारे युवा जो है खेलों की तरफ ध्यान दें, तो ग्राउंड में आए और अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल करें। इसी को ध्यान में रखते हुए भी शिवरात्रि के इस उत्सव मेले के दौरान खेलों का आयोजन किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा है वो ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा आए, खेलों में पार्टिसिपेट करें, तो उनकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी, सही दिशा में उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी। तो आज मैं फिर से आप सबको शिवरात्रि के इस महोत्सव पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और हमारी जो रेसलिंग सब कमेटी है इनके प्रधान श्री डोगरा जी और उनकी टीम को भी काफी आभारी हूं।
और उनको भी इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।